ऐसे ही आगे चल के हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत, वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि स्पीड क्या होता है, तो स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो इसमें कई चीजें हम इन्हें बिना पढ़े जान सकते हैं कि जो स्पीड है वो डिपेंड करती है आपके डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली बात है वो खुद में कैसी होने, देखो टाइम तो ऑटोमेटिकली स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब अगर नॉर्थ डायरेक्शन भागोगे तो जल्दी टाइम चलेगा, साउथ में जाओगे तो धीमे टाइम चलेगा, घड़ी तुम लेके जाना साउथ की तरफ तो 5 मिनट 2 मिनट में बदल जाएंगे, ऐसा होता है? नो सर। वो नॉर्मल टाइम जितना है वो उतना ही आएगा। तो टाइम जैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? अगेन एक स्केलर क्वांटिटी। तो दो स्केलर क्वांटिटी ऑब्वियसली तीसरी भी क्या होने वाली है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से वेलोसिटी को भी हमें क्या कंसीडर करते हैं? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को आप एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, एक वेक्टर क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर रहे हो? तो ऑटोमेटिकली जो क्वांटिटी आएगी वो भी क्या होगी? वेक्टर। पहला पॉइंट तो ये है। अब हमने जो पिछली बार कंक्लूजन करा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो। तो वैसे ही वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? जीरो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता था, तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? नेगेटिव। अब तुम सोचो, देखो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें मान लो अगर कोई स्पीड दे रखी है आपको 5 मीटर पर सेकंड, तो ये सिर्फ दर्शा रहा है कि भाई उसकी स्पीड यानी जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 सेकंड, ये वो दर्शा रहा है स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। बट अगर वेलोसिटी उन्होंने बोला था 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो अगर टूवर्ड्स साउथ जाएगी तो आपको इसमें -5 मीटर पर सेकंड देगा। अगर सेम वेलोसिटी टूवर्ड्स साउथ जा रही है आपकी बार, तो वो यही सेम चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। मतलब अगर प्लस बोल रहा है नॉर्थ तो माइनस बोलेगा साउथ, अगर ईस्ट के लिए आपने प्लस लगाया है तो ये सिंपल सा फिनोमेना है। मतलब आपने किसी एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान लिया तो ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट डायरेक्शन को आपको क्या लेना पड़ेगा? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वही वेलोसिटी क्या है, किसी को कोई डाउट है बताओ? इसके बाद आपका आता है कि स्पीड जब अगर एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब स्पीड में कभी भी जीरो नहीं आएगा। भाई डिस्टेंस कभी जीरो था? एक कदम चल के चाहे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बट वेलोसिटी टू तो चल गया, 2 मीटर 2 स्पीड जो भी आप चले, बट चल गया, चाहे आप आगे चल के पीछे वापस आ गए, आगे का एग्जैक्टली। तो स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती। स्पीड क्या माइनस हो सकती है? अगर दोनों में सिमिलैरिटी की बात करूं तो वही जो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को किसमें नापते हैं? मीटर में नापते हैं। तो यहाँ भी दोनों को किसमें नापते हैं? मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है? देखो ऊपर मीटर नीचे टाइम, तो डिस्टेंस कितना होता है? मीटर नीचे टाइम कितना होता है? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट इसकी है, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट इसकी स्पीड है। मजेदार बात एक ये है कि अगर मैं सीधा ही चलूं, अगर मैं सीधा ही चलूं तो जो डिस्टेंस था वही डिस्प्लेसमेंट था। अगर मैं सिर्फ आगे की तरफ चलता हूँ, 1 मीटर चला तो 1 मीटर आगे की तरफ चला तो कितना डिस्टेंस चला? 1 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना? 1 मीटर। एक बार आगे चलूं तो 2 मीटर डिस्टेंस 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है, जब तक वो बॉडी क्या कर रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो
बट अगर वो मुड़ गई टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो जाएगा। अब देखो मान लो कोई बॉडी गोल घूम रही है, क्या हो रही है, गोल, और उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं आपसे पूछना मांगता हूँ क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी? मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, स्पीड चेंज नहीं कर रही, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी? हो रही होगी सर, क्योंकि वेलोसिटी मैंने क्या बताया था, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। अभी इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, जब पत्थर यहाँ पे नहीं आ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर, जब वो यहाँ आ जाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर, जब यहाँ आ जाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है उसकी। और अगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन में डिपेंडेंट है। इस वक्त हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, इसे बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड वेस्ट, इसे बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स साउथ, इसे बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है मेरे भाई, आपको क्या, अरे सर अगले पल के लिए क्या चेंज, थोड़ा सा तो चेंज हुआ, थोड़ा चेंज डायरेक्शन में चेंज वो माना जाता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑल्सो, वो डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट है और किस पे डिपेंडेंट है, वैल्यू पे। तो इसका मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड है, ये चेंज नहीं हो रहा, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो स्पीड ही है, वो वेलोसिटी भी हो सकती है। मान अब इमेजिन करो ये 5 मीटर पर सेकंड जो गोला घूम रहा है तो इसमें क्या सेम है, स्पीड, वेलोसिटी सेम है, नहीं वेलोसिटी सेम नहीं, बट इमेजिन करो एक बॉडी सीधी भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें स्पीड सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो डिपेंड करता है बॉडी इस तरह से मोशन में है, सर्कुलर में है, स्ट्रेट है, आड़े पीछे रैंडम मोशन में है, डिपेंड, समझ में आया? यस सर। तो स्पीड अगर मैं आपसे बोलूं तो आपकी स्पीड की रेफरेंस होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, yes, और दूसरा उनका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इतनी बात समझ में। इसके बाद आपकी दो तरीके की स्पीड पूछ जाती है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब समझते हो, आपके स्कूल में जो यूनिफॉर्म चलते वही वाली यूनिफॉर्म, क्यों बनाते हैं वो वाली यूनिफॉर्म, नहीं कि वो पहन के ये भागती है, ये नहीं भागती कहीं भी, ठीक है, यूनिफॉर्म क्यों पहनाते हो, जिससे आप सब एक समान दिखो, ठीक है, कोई ये नहीं कि वो कोई अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है बेचारे, किन कोई इतना बड़ा कपड़ा पहन के आ रहा है जिसमें इतना बड़ा छेद हो, नहीं, यूनिफॉर्म से आप सब एक ही कैटेगरी में आ जाते हो, कोई अमीरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, वैसे ही स्पीड की यूनिफॉर्मिटी क्या बताती है, एक ही स्पीड से चल रही है, वो चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है, वो घट रही है, वो कुछ भी नहीं हो रही, वो जैसी है वो वैसे ही मेंटेन है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है कि जितना पहले टाइम में, मान लो एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड चला दो, अगले सेकंड भी, तो इसका मतलब जितने इंटरवल ऑफ टाइम में वो जितने मीटर ट्रेवल कर रहा है, अगले इंटरवल ऑफ टाइम में भी वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम इसे डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, इट ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इतने टाइम में 2 मीटर में 5 मीटर चल रहा है, 2 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, तो अगले 2 सेकंड में 5 चलेगा, उसके अगले 2 में 5 चलेगा, उसके अगले 2 में 5 चलेगा, चलता रहेगा, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अगला 1 मीटर 1 सेकंड में चाहे 5 चल रहा हो तो अगले 1 सेकंड में 3 चले, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका क्या दूसरा नाम भी, हाँ, वेरिएबल स्पीड, भाई नॉन यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म ना हो, और वेरिएबल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, चेंज होना, जिसकी वैल्यू चेंज होती है, तो वेरिएबल स्पीड क्या है, वेरिएबल स्पीड आर दोज स्पीड विद ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम फिक्स है भाई, टाइम चेंज नहीं हो रहा, टाइम फिक्स है भाई, हमने क्या बोला था उसकी डेफिनेशन क्या बोली थी यूनिफॉर्म स्पीड, कि टाइम फिक्स है, डिस्टेंस एक एक जैसे ही चलेगा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि टाइम तो फिक्स है
बट डिस्टेंस अलग अलग है, मैं कभी चार कभी पांच कभी दस कभी दो कभी चल ही नहीं रहा, मूड नहीं कर रहा उसका चलने का, कहना मैं रेस्ट करूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। अब ध्यान सुन लो, अगर यूनिफॉर्म स्पीड सॉरी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, सॉरी उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होगी, कभी ज्यादा कभी कम कभी कुछ। अब आप जाम में बाइक चलाते हो तो कभी मौका मिलता है आपको खुली जगह मिलती है तो आपके पापा तेज भगा लेते हैं, जब थोड़ा जाम मिलता है खड़े रहते हैं, जब थोड़ी सी जगह मिलती है तो धीरे 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 चलते हैं, तो स्पीड क्या हो रही है चेंज हो रही है। तो अगर मैं आपसे फोन करके पूछूं अरे भैया कहाँ पे हो, अरे सर लालपुर के जाम में अटके पड़े हैं, तो आपकी स्पीड क्या है, जीरो। मैंने पूछा कहाँ पे पहुंचे, सर बस अभी जाम खुला है यहीं से निकल रहे हैं भग रहे हैं बस आ रहे हैं, स्पीड कितनी चल रही है, 40 चल रही है सर, तो आप स्पीड क्या हो रही है आपकी चेंज हो रही है। तो अगर मैं आपसे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड पूछूं, क्योंकि आपकी स्पीड क्या हो रही है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है कि भाई अभी कुछ और है अगले पर कुछ और उसके अगले पर कुछ और है ना, तो उस स्पीड को एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है आपकी, अभी के वक्त क्या स्पीड है आपकी, अभी इस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है। मान लो आप लालपुर से यहां तक आ रहे हो या छबरोला से यहां तक आ रहे हो, तो छबरोला से जब इधर आते हो तो आपको बीच में लालपुआ पड़ेगा, उधर से थोड़ा सा आ गया होगे तो आपको सिल्वर सिटी पड़ेगा, थोड़ा सा आ गया होगे तो ये कौन सा है बाटिया मोड़ पड़ेगा, थोड़ा सा आ गया हो तो शायद आपका ये राकेश मार्ग पड़ेगा, और थोड़ा आ गया जब ये सम्राट चौक अमराट चौक ये MH का मोड़ और फिर यहीं पे अपना कोचिंग पड़ जाएगा। तो आपके पूरे रास्ते से यहाँ से यहाँ तक आने में कितने पॉइंट पड़े, बहुत सारे पॉइंट पड़े। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी, इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी, इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी और इस पॉइंट पे क्या स्पीड थी, तो आपकी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्पीड हो सकती है। yes, sir. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो स्पीड होती है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में देखी जाए। अभी हम एक बात करते हैं, मान लेते हैं गाड़ी एक सीधी रोड पे चल रही थी, मान लेते T0 सेकंड पे वो खड़ी हुई थी रेस्ट पे थी, जब वो यहाँ पे पहुंची T1 सेकंड में तो उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड। जब हम 3 सेकंड की बात करते हैं तो उसकी स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकंड, जब 4 सेकंड की बात करें उन्होंने रोकी ली गाड़ी नहीं, और 5 सेकंड पे उसने भगा दी 20 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड पे उसकी स्पीड चेंज हो रही है नहीं हो रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 सेकंड पे क्या स्पीड थी बताओ, जीरो 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 4 सेकंड पे जीरो, और 5 सेकंड पे 20। हर सेकंड पे उसकी स्पीड बदल रही है नहीं बदल रही है, सही है। तो इस वजह से हर सेकंड पे अगर उसकी स्पीड बदल रही है तो इसे क्या बोलेंगे, अब ध्यान सुनो, क्या हर सेकंड पे इंस्टेंटेनियस स्पीड चेंज ही होती है। इमेजिन करते हैं एक बॉडी यूनिफॉर्म चल रही है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, अगर उसका T0 में मान लो रेस्ट पे थी और T1 पे उसकी 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो T2 पे भी 3 मीटर पर सेकंड ही होगी उसकी स्पीड, उसकी स्पीड कितनी होगी 3 मीटर पर सेकंड, और तीसरे सेकंड पे 3 मीटर पर सेकंड, तो आगे चलते चलोगे कितनी रहेगी 3 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट ही रहेगी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, जरूरी नहीं है इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा चेंज होती रहे, वो डिपेंड कर रहा आप किसकी नाप रहे हो, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म की नापते हो तो चेंज होती रहेगी, और अगर आप यूनिफॉर्म की नापते हो तो सेम रहेगी। क्लियर है, किसी को डाउट है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ, एवरेज स्पीड जो अगेन एवरेज स्पीड किसका भी निकाल सकते हो, यूनिफॉर्म स्पीड का भी और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड का एवरेज स्पीड सेम रहे, क्यों स्पीड चेंज हो रही, तो सबका एवरेज भी निकालोगे तो सेम है। भाई अब मुझे बताओ पूरी क्लास है सब बच्चों को 10 मार्क्स है तो एवरेज क्या है क्लास का, सही रहने वाला है, बट एवरेज चेंज कब होता, 1 का 15, 1 का 16, 1 का 100 नॉन। तो एवरेज स्पीड कब निकलेगी, जब नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है चेंज हो रही है तो उस वक्त जो आपकी स्पीड निकलेगी कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल टू
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में? अब देखो, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, याद है? अभी हर सेकंड में अलग अलग स्पीड ट्रेवल कर रहा था। तो अगर मान लो उसमें एक एग्जांपल में क्या था, मान लेते हैं टी जीरो में तो जीरो था, टी वन, टी टू और टी थ्री, ये हमने सेकंड लिया। तो डिस्टेंस पे जीरो है, इसपे 3 मीटर पर सेकंड मान लो, इस पे आप 4 मीटर पर सेकंड मान लो और इस पे आप 2 मीटर पर सेकंड। तो इस सेकंड में कितना चला वो, कितना डिस्टेंस चला? 3 मीटर। इस सेकंड में कितना चला? इस सेकंड में कितना चला? तो एक सेकंड में कितना चल रहा है यहाँ पे? 3। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 3 मीटर। इस सेकंड में कितना हो गया? इस सेकंड में कितना? 2 मीटर। तो सारे डिस्टेंस को प्लस करो, 9 मीटर। कितने सेकंड की कहानी है? 3। तो कितना है? 3 मीटर पर सेकंड। टोटल स्पीड की बात, एवरेज स्पीड की बात क्या बोली थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 3 + 4 = 7, 7 + 2 = 9, 9 / 3 = 3, टाइम कितना हो गया? 3 मीटर। तो दोनों को डिवाइड करो, कितना देगा? 3 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है एवरेज? हम मुझे बताओ क्या एवरेज स्पीड इसके जैसी नहीं है? यस सर। इसके जैसी तो नहीं है? नो सर। तो नॉन यूनिफॉर्म की हो सकता है कोई स्पीड वो सेम हो किसी से, बस से भी नहीं, सेम हो किसी से भी नहीं पता। मान लो आपकी क्लास में टेस्ट लिया, आपका 10 मार्क्स का टेस्ट था, सबके किसी का 10 है, किसी के 5 है, किसी के 6 है, किसी के 4 है और एवरेज भी 7 आ गया। तो 7 हो सकता है ना किसी के सेम हो? यस सर। और वो किसी के सेम हो 7 मार्क्स और किसी बच्चे के भी तो आते हैं। ये थोड़ी है कि भाई एवरेज आ गया, 13 7 मार्क्स के होंगे, 13 6 करने पड़ेंगे हमें। तो क्या कहेगा सर, 6 मत करो, 8 कर दो। बट नहीं, हो सकता है ऐसी, ठीक है? तो एवरेज एग्जैक्टली, तो बट ऐसे नहीं करते ना भाई, गलत नहीं करते। तो एवरेज चेंज करना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड में क्या बता रहा हूँ, एवरेज स्पीड हो सकता है आपकी किसी स्पीड से सेम हो, बट इमेजिन करो कि ये सिचुएशन है टी जीरो, टी वन, टी टू, टी थ्री, ठीक है? और स्पीड भी वो ऐसे चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड, स्पीड 3 मीटर पर सेकंड और फिर से स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस कितना चला? 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर क्यों चल रहा है? स्पीड क्या? 3 मीटर पर सेकंड। तो क्या बोलना मांग रहा है? 1 सेकंड में 3 मीटर। तो यूनिफॉर्म है। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 9। एवरेज स्पीड की बात क्या होगी? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय 3। तो आंसर क्या है मेरे बच्चे? 3 मीटर। ये तो सेम आ गया, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। यूनिफॉर्म हुई है, एवरेज स्पीड क्या होती है? एंजॉय स्पीड होती है।